हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अमेजॉन हॉल वीडियो। अमेजॉन पे सेल चल रही है, तो सेल में से सामान मंगवाया है कुछ, तो जो आगे हमारे प्रोडक्ट होंगे वो हम देखेंगे अपने हॉल वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप किस चीज़ के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करें, और नेक्स्ट कौन सा हॉल देखना चाहते हैं वो भी मुझे एक कमेंट में बताइए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है वो क्लॉथिंग में से भी है कुछ आइटम्स, कुछ प्रोडक्ट बेबी प्रोडक्ट हैं तो और कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट भी हैं। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि हमारा क्या 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 प्रोडक्ट है। तो हमारा अमेजॉन का फर्स्ट है हमारा ये लेगिंग्स, ये वाला लेगिंग्स है जो कि है लायरा ब्रांड से, एंकल लेंथ का लेगिंग्स है ये। ये वाला एंकल लेंथ का लेगिंग्स है, लायरा ब्रांड का है, और बोथ साइड ये इलास्टिक रबड़ का है, और इसमें यहाँ नीचे कॉर्नर पे ब्रांड का मतलब ये स्टिकर वगैरह लगा हुआ है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, कॉटन का है, किसी भी सीज़न में आप पहन सकते हैं। विंटर के लिए काफ़ी अच्छा है, कोई स्वेट नहीं आता, अच्छा है, कंफर्टेबल है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये है फ्री साइज़ में है, और ये कलर है नेवी ब्लू, नेवी ब्लू कलर है, एंकल लेंथ की हमारी लेगिंग्स है। तो नेक्स्ट भी हमारी एक लेगिंग्स है जो कि मैंने ली है डॉलर मिसी, डॉलर ब्रांड की मिसी एंकल लेंथ की लेगिंग्स है ये ब्लैक कलर में है, सेम है उसकी तरह। जो भी प्राइस वगैरह होगा वो आपको साथ में शो हो जाएगा, तो प्राइस एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। इसकी भी लेंथ ऐसी है, एंकल लेंथ तक आती है ये, चूड़ीदार नहीं है, इसमें चूड़ियाँ नहीं बनती। ये नीचे से इसका ये है, और इसका जो लोगो वगैरह है यहाँ पर अंदर शो हो रहा है, ये भी आपको दिख रहा हो। ये भी फ्री साइज़ में है, ब्लैक कलर है, काफ़ी सारे कुर्ते के साथ चला जाता है, तो इसीलिए एक वो वाला नेवी कलर का था, ये ब्लैक कलर में है। ये भी कॉटन का कपड़ा है, बिल्कुल सॉफ्ट है, देखो इकट्ठी होकर मेरे हाथ में आ गई, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, इसमें कोई स्वेट वगैरह नहीं आता। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट आइटम देखते हैं, वो भी क्लॉथिंग में से है, वो है एक नाइट सूट, एक नाइट सूट है, इस कलर में है, इस तरह का ये नाइट सूट है, कॉटन का है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है। इसकी स्लीव्स हाफ स्लीव्स हैं, स्लीव्स इसकी हाफ स्लीव्स हैं, स्लीव्स की इस तरह की डिटेलिंग की रखी है रेड कलर में, और ये रेड कलर रेड येलो ब्राउनिश इस कलर में है। कॉलर वाली टी शर्ट है, बटन शर्ट स्टाइल में है नाइट सूट, बटन्स ओपन होते हैं। इसका जो ये शर्ट है ये मीडियम लेंथ तक है, ना शॉर्ट है ना ही ज़्यादा लॉन्ग साइज में है। साथ में इसकी जो ये बॉटम वियर है पजामा स्टाइल में है, स्ट्रेट में, बोथ साइड इलास्टिकेटेड है, वन साइड आपको पॉकेट भी मिल जाता है। ये रहा इसका पॉकेट, ये इसका पॉकेट, ऑल ओवर ऐसी प्रिंट में है, अच्छा कपड़ा है, जो कॉटन का कपड़ा है, बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है। मैंने इसको यूज़ कर लिया है, पहन लिया है, काफ़ी अच्छा है, कोई मतलब चुभने वाला कपड़ा नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेबी प्रोडक्ट। मैंने कुछ हिमालय के प्रोडक्ट मंगाए थे अपने बच्चे के लिए, तो जो बेबी प्रोडक्ट में जो फर्स्ट आइटम है वो है हिमालय का बेबी पाउडर, हिमालय का बेबी पाउडर, बेबी के लिए काफ़ी सॉफ्ट है, और ये है 400 ग्राम का है। आप देखकर वहाँ अमेजोन पे देखकर कोई भी मतलब देखकर अच्छे से चेक करके जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए उतना साइज़ आप मंगा सकते हैं। ये मेरे हाथ से थोड़ा सा बड़ा है, ये मतलब तो बड़ा साइज़ है ये,
तो बेबी को यूज़ करने के लिए बेबी पाउडर। और अगर आपकी स्किन थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप भी अपने लिए लूज़ पाउडर के लिए ये हिमालय का बेबी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, मेकअप को सेट करने के लिए, बेस को सेट करने के लिए, फाउंडेशन को सही करने के लिए बेबी पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ये हुआ बेबी आइटम। नेक्स्ट है हमारे पास हिमालय का बेबी मसाज ऑयल। बेबी को मसाज करने के लिए अच्छा है, और आप उसकी वीक में एक बार, दो बार, डेली भी करना चाहो अगर, तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो वीक में 2-3 times जरूर मसाज करें। बेबी की बॉडी बोन्स के लिए काफ़ी अच्छा है ये। इसका जो प्राइस वगैरह होगा आपको साथ में शो हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारी आइटम जो है वो देख लेते हैं। ये मैंने मंगवाया है बेबी के टीथ के लिए, टूथपेस्ट है मामा अर्थ का बेबीज़ वाला, ये वाला टूथपेस्ट है। इसमें लिखा है मामा अर्थ बेरी ब्लास्ट टूथपेस्ट फॉर किड्स SLSN फ्लूरोइड फ्री 100% नेचुरल 12+ months, ये सब इसमें लिखा हुआ है। और ये बेबीज़ के लिए मामा अर्थ का टूथपेस्ट है, क्योंकि बच्चों का ये होता है ना कि वो अंदर ना निगल जाए टूथपेस्ट, तो बच्चे के लिए ठीक नहीं होता, केमिकल्स वगैरह होते हैं। तो ये मामा अर्थ का जो 100% नेचुरल है वो वाला टूथपेस्ट ही यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड परचेज है, एक हमने यूज़ कर लिया है तो काफ़ी अच्छा रहा ये हमारे लिए। ये है 50 ग्राम, इसकी क्वांटिटी 50 ग्राम। जो भी प्राइस वगैरह होंगे वो आपको साथ में पिक्चर लगा देंगे, वो आप देख लेंगे। नेक्स्ट है कुछ मेरे लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कुछ हेयर केयर के लिए है। नेक्स्ट हमारी आइटम है लिवोन का हेयर सीरम स्प्रे वाला, तो ये स्प्रे वाला होता है, ऐसे पंप पैकिंग में है, स्प्रे में। ये छोटी पैकिंग ली है क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम खरीदा है, काफ़ी सुना था इसके बारे में, तो ये छोटी पैकिंग है। ये है आई थिंक 50 ml की है, 160 के अराउंड इसका जो प्राइस है। हेयर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, जैसे हमारे बालों के लिए ये स्प्रे करने के लिए स्प्रे काफ़ी अच्छा है, ये स्प्रे अच्छे से मतलब सुलझ जाते हैं बाल। नेक्स्ट है लिपस्टिक में, ब्यूटी आइटम्स में लिपस्टिक की कलेक्शंस है। तो जो फर्स्ट है हम बात कर लेते हैं, मेरे पास है ये लैक्मी एब्सोल्यूट की मैट मेल्ट मिनी। इसका प्राइस है आई थिंक 400 है, डिस्काउंट पे आपको 300-320 के आसपास ये आपको मिल जाएगी। और इसका जो शेड है मैं आपको दिखा देती हूँ, डार्क कलर पसंद है मेरे को ज़्यादा, तो मैं डार्क में लिया है, मैंने डार्क ब्राउन, पर्पल और क्या बोल सकते हो आप, चॉकलेट, मैरून, ऐसा कलर है ये। इसका हैंड स्वॉचेस आप देख लीजिए। आपने डेली मेकअप में जिनको मतलब लाइट नहीं पसंद, न्यूड्स नहीं पसंद और थोड़े डार्क टोन है उनका स्किन का, तो वो अगर मेकअप नहीं करते तो सिंपल ये वाला लिपस्टिक भी लगाने से, लिक्विड लिपस्टिक है, लगाने से अच्छा रहता है, लुक अच्छा आता है। ये इसका शेड है। नेक्स्ट है हमारे पास इनसाइट नॉन ट्रांसफ़र लिप कलर, तो इसका शेड है मेरे पास कॉफ़ी कमांड 11। ये है, ये थोड़ा न्यूड में आ गया, न्यूड में ये है, उससे थोड़ा लाइट में ब्राउन वाला, ये वाला इनसाइड का है, वो फर्स्ट डार्क मैरून चौक कॉफ़ी पर्पल सभी का हिंट है इसमें, ये वाला इनसाइड का, ये लैक्मे का, ये इसका हैंड स्वॉच, ये भी आपको समझ आ रहा हो। और हमारी हॉल का जो लास्ट है वो है हमारा सिंपल सा और काफ़ी अफोर्डेबल कैमियो का लिक्विड लिपस्टिक। इसका स्टे काफ़ी अच्छा है,
6 to 8 hours तक स्टे है इसका, इसलिए मैंने ये ख़रीदा है। मैंने पहले लोकल मार्केट से लिया था, तो अभी अमेजोन पे आपको मिल जाएगा। ये सिंगल पैकिंग में तो मुझे दिखा नहीं, ये मतलब बड़ी पैकिंग थी इसकी, बड़ी पैकिंग मिलता है। ये कलर ये है इसका डार्क पिंक सा, कलर का नेम है इस पर क्या लिखा है, 4 ml इसकी क्वांटिटी है और 3.5 ग्राम इसमें प्रोडक्ट है, ग्राम में लिखा हुआ। जी फ्रेंड्स, मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी तो मैं अभी चार्ज कर कर लेकर आई हूँ। तो हम बात कर रहे थे इस शेड के बारे में, ये शेड है, ये है डार्क मैजेंटा, डार्क पिंकिश शेड आपको इसको बोल सकते हो, पिंक प्लस पर्पल मिक्स है। और ये है हमारा कैमियो का अफोर्डेबल लिपस्टिक, लिक्विड मैट कैमियो का लिपस्टिक, ये 12 की पैकेजिंग में आता है और ये सिंगल पीस का प्राइस है 180। स्मज प्रूफ है और ये ट्रांसफ़र प्रूफ है, ये ट्रांसफ़र नहीं होता। और ये मतलब काफ़ी अच्छा इसका स्टे है, 8 to 10 hours तक इसका स्टे है। आफ्टर मील भी ये टिका रहता है लिप्स पे, लिप्स को ड्राई आउट नहीं करता, काफ़ी कंफर्टेबल है लिप्स पर और काफ़ी अच्छा शेड है ये, काफ़ी अच्छा पसंद है। और ये अगर सभी स्किन टोन्स पे अच्छा लगता है ये वाला कलर, डार्क हो, मीडियम हो, लाइट, जिसका जैसा स्किन टोन हो सभी को ये वाला कलर सूट करेगा। ये देखो इसको लगाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, स्मज प्रूफ है ये, ट्रांसफ़र प्रूफ है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। अभी मैं हैंड वॉश किया तो मैंने वहाँ से भी नहीं निकला, तो अच्छे से मेरे को मेकअप रिमूवर से निकालना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छा इसका स्टे है इसके लिए। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है हमारे ये वाले स्लीपर्स जो घर में पहनने के लिए। तो ये है प्लेटफॉर्म हील की तरह है इसका, जो पूरा एक जैसा है। और मेरे से ना घर में फ्लैट्स नहीं पहने जाते, वेट होने की वजह से ना पैर एड़ियां दर्द करने लग जाते हैं, तो ये वाला मंगवाया था मैंने, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो ये आगे से इसकी ये तरह इस ऐसी शेप है, ऐसा डिज़ाइन है इसका। तो यूज़ कर रही हूँ इसका, थोड़ा सा जो प्रिंट है थोड़ा फेड हो गया है, काफ़ी पहले मंगाया था ये मैंने। ये इसकी ऐसी हील है और काफ़ी सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, वियर करने में पैर नहीं दर्द करता। पूरा दिन मैं यही पहन कर रखती हूँ, मार्केट भी जाना हो कभी कभी यही पहन जाती हूँ। अच्छा है, कंफर्टेबल है, इसमें स्वेट भी नहीं आता, बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है। और ये वाला, ये इसका जो आगे से, ये भी काफ़ी सॉफ्ट सा कपड़ा है ना, क्लॉथ का नहीं होता जैसे, वैसे सॉफ्ट सा लग रहा है कुछ। आगे से ये वाटर प्रूफ टाइप है और नीचे से ये सॉफ्ट सा है इसमें। तो ये था मेरा आज का हॉल वीडियो। तो मेरे आगे भी कोई वीडियो आए इसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और आप जो भी किसी चीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको उसका रिव्यू दूंगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आगे जो वीडियो आने वाले हैं उनको ज़रूर देखिए। नेक्स्ट मेरे आगे बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून एंड गुड बाय।